बागबान पुरा नूरबाग स्पोर्ट्स स्टेडियम की खस्ता हालत होने के कारण युवाओं को खेलने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों द्वारा कूड़ा कचरा भी वहां फेंका जाता है। युवाओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यहां नूरबाग स्पोर्ट्स स्टेडियम को अच्छा सा बनाया जाए ताकि हमें खेलने में आसानी हो सके। हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे को ग्राउंड के लिए 27 कनाल लैंड वक्फ किया है। अब हमारी ये गुजारिश है डी साहब डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी से, ये गुजारिश मोहतरमा गुजारिश है कि वो इस प्ले फील्ड को एज सून एज पॉसिबल। कितना टाइम हुआ है ऐसे ही, कब से ऐसे ही ये ऐसे इसको 2-4 साल हो गए ऐसे ही हुए। अब चूंकि जब डी साहब आए तो उन्होंने अपने हाथ में लिया ये काम, तो उन्होंने हमारे को 27 कनाल प्ले फील्ड के लिए प्रोवाइड किया है ये ज़मीन। अब हमारी यही डिमांड है डी साहब श्रीनगर से, ये हमारी ये मोहतरमा गुजारिश है कि हम उसे ताकि ये जो प्ले फील्ड ऐसा खुला है इसको डेवलप किया जाए ताकि यहाँ जो यहाँ के नौजवान बच्चे आराम से खेलें और उनको कोई दिक्कत खेलने में नहीं, क्योंकि अभी ये खेलने के लिए काबिल नहीं है। लिहाजा हमारी पुरजोर गुजारिश डी साहब से कि इस प्ले फील्ड को डेवलप किया जाए जल्द से जल्द। रहमान है और मैं डी सी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सके इस ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन हो जाए, इसकी दीवार बंदी हो जाए ताकि लोग ताकि यहाँ के यूथ खेले कूदे और ड्रग एडिक्शन से महफूज रहे। आई होप डी सी श्रीनगर विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज लैंड माफियाज who they want to sell these lands who is occupied by land mafias. And I also convey to DC Srinagar, please come here and see what is the situation of these of this ground, and please as soon as possible do something as soon as possible.